फिर अमेरिका और तालिबान के बीच मुज़ाकरात हुए हैं, दो दिन तक ये बातचीत चली दोहा में, जाहिर है जहां पर दोहा डील भी साइन हुई थी। अमेरिका का कहना है कि बड़ी फ्रैंक और प्रैक्टिकल किस्म की गुफ्तगू हुई है, और तालिबान ने भी कहा है कि बड़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं, लेकिन जाहिर है कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अमरीका फोकस करना चाह रहा है, जाहिर है, सिक्योरिटी और टेररिज्म, वही जो पिछले 20 सालों से बात चल रही है, थोड़ा सा जिक्र ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स का भी किया, लेकिन तालिबान की जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि सर जी जो 10 बिलियन डॉलर हमारा आपके यहाँ फंसा हुआ है उसको रिलीज करें ताकि हम मुल्क को चला सकें, और उसके पास साथ साथ जाहिर है कि तालिबान की कोशिश है कि अमरीका उनकी हुकूमत को ऑफिशियली तस्लीम करे। अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे कुछ होना लगा है, और लग ऐसा ही रहा है कि अभी अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो खुशहाली वहाँ पर चल रही है वहाँ पर मामलात और बिगड़ने का खतरा है, और जब ऐसा होगा तो अमेरिका कहेगा कि सर देखें इनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, हालांकि 10 बिलियन डॉलर आपने ही रखे हुए हैं। पैसे की बात हुई तो आपको याद होगा कि जब अशरफ गनी साहब जो एंड तक कह रहे थे कि सर मैं मरते दम तक अपनी क्लेशन लेंगे और तालिबान का मुकाबला करूंगा, जब वो फरार हुए तो कुछ इधर उधर से खबरें आईं कि तकरीबन 100 से 170 मिलियन डॉलर लेकर फरार हुए। अब जाहिर है अशरफ गनी ने कहा कि सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरे पास तो मतलब उतने ही पैसे हैं जो मेरे जेब में थे, उधार पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, यार फकीर बंदा हूँ मैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी पैसे नहीं है भाई के पास। लेकिन अब क्या हुआ है कि उनके जो साबिक बॉडी गार्ड हैं ब्रिगेडियर जनरल फिराज अता शरीफी, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि सर ये मेरे सामने हुआ है सब कुछ, और मेरे पास बकायदा वीडियो क्लिप भी है CCTV की, और उसने कहा है कि इतने पैसे थे कि सारे हेलीकॉप्टर में फिट भी नहीं हुए और कुछ पीछे छोड़ने पड़े। इंटरेस्टिंग बात उस इंटरव्यू में यही है कि इनका एक काम ये था कि जब सदर अशरफ घनी डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री पहुंचते थे, इसकी ड्यूटी लगाई थी कि यार हर एक बंदे से बंदूकें लेके ना साइड पर रख दो कि कोई गलती से अशरफ घनी को गोली ना मार दे। तो इसने कहा है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियन मे बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो अपने हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में लेके निकल गए। अच्छा जाहिर है कि जब अमेरिका को ये से पूछा गया कि सर ये अगर आपके सामने हो रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अक़वामे मुत्तहिदा को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हमारा इशू नहीं है। अच्छा इसके साथ साथ एक और खबर ये भी आई है कि दाऊद वर्दक जो साबिक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अब्दुल रहीम वर्दक के साहबजादे हैं, उन्होंने दूसरी मैंशन खरीदी है अमेरिका में। अच्छा पहले उनके पास एक नन्नी मुन्नी सी मैंशन थी मायामी बीच पे 5.2 मिलियन की, मतलब कुछ भी नहीं। और बिल्कुल उन्होंने भी यही सोचा कि यार मुझ जैसा बंदा और दो कमरे की मतलब अपार्टमेंट में रहे अच्छा नहीं लगता, तो अब उसने एक 21 मिलियन डॉलर की मैंशन खरीदी है, और बिल्कुल छोटा सा घर है सिर्फ 9,000 स्क्वायर फुट का। बहरहाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर आपके पास कितनी मनी लगे, वो कहता है कि सर मैं बिजनेस करता हूँ, कौन सा बिजनेस करता हूँ तकरीबन किसी को नहीं पता। अच्छा अब ये तो हुए जो ये लोग पैसे ले गए हैं। अच्छा अब अमेरिका से जब ये सवाल पूछा ना 169 मिलियन डॉलर्स का, यकीन उन्होंने सोचा होगा यार ये तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा तो हमने मतलब एक महीने में उड़ा दिया था अफगानिस्तान में। आपको कुछ मैं उसकी मिसालें देता हूँ। एक पावर प्लांट 2007 में कमीशन किया अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान की बिजली आती है उज़्बेकिस्तान से, उन्होंने कहा कि यार अगर तार कट गई सप्लाई खराब हो गई तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक काबुल के लिए ना एक बैकअप जनरेटर होना चाहिए जिसका नाम रखा ताराखेल पावर प्लांट, उस पर 335 मिलियन डॉलर खर्चे गए, बड़ा मॉडर्न था और डीजल पे चलता था। अब मसला उनको ये पड़ा कि यार ये डीजल आएगा कहाँ से जितना इसको चलाने के लिए है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल का सिर्फ फ्यूल का 250 मिलियन डॉलर का था, और वो जो प्लांट है वो कभी 2% कैपेसिटी से ऊपर चला ही नहीं। और ये पहली हुकूमत है तालिबान की जो इस वक्त अक़वामे मुत्तहिदा से उसने दरख्वास्त किया कि 91 मिलियन डॉलर यार उधार दे दो हमारे पैसे में से ताकि हम उज़्बेकिस्तान को बिजली का बिल अदा कर सकें, किसी भी दिन कट सकते हैं। नहीं गेम यही है 10 बिलियन वो अपने पास रखेंगे, फिर इकोनॉमी कोलैप्स करेगी और कहेंगे सर देखें हमने तो कहा था कि इनसे मुल्क नहीं चलाएगा, सिंपल।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।